भाई अलग ही मौसम है आज तो यार। लो भाई कहाँ दिल्ली से गाड़ी ले आए हैं महादेवगढ़। अलग ही स्टाइल में नंबर लिखवाए हुए, इसका तो फिर भी एमएच दिख रहा है। दिल्ली बता ना भाई जेल हो जाएगी जेल। कराड़ का बॉटल नेक है अभी इस हाईवे पे, जब तक ये बन नहीं जाता पूरा। भाई साहब ऐसे ड्राइवर हैं, सीधा कोलिजन होना था क्योंकि गाड़ी चल रही है 90-100 पे, एकदम से लेन चेंज कर दी एक हाई स्पीड पे, वो भी नेशनल हाईवे पे, और बाद में भाई साहब सॉरी बोल रहे हैं फिर इशारे में। आ गई भाई अपनी कोल्हापुरी मिर्ची वाली दाल, हा स्पाइसी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई 5:30 AM 26th मई, आज फ्राइडे, अपना 5th डे गोवा में, और बस पैकिंग शुरू है, गाड़ी के अंदर लोडिंग शुरू है और निकल रहे हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए घर की तरफ। और आज हम स्टे करेंगे लोनावला में, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 450 से 550 किलोमीटर है, तो 10 घंटे की ड्राइव रहेगी, ज़बरदस्त ड्राइव रहेगी, रोड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी भाई बहुत अल्टीमेट मज़ा आया इस बार फिर गोवा में आके, कब ये 4 nights 5 days निकले पता ही नहीं लगा, और भाई कल इतना मज़ा किया ना, मैंने व्लॉग नहीं किया था, अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, कल इतना अल्टीमेट मज़ा किया कैंडोलम बीच पे शाम को, और इतनी हाई टाइड्स आ रही थी कि हल्की सी चोट भी लग गई है, देखो पट्टी की हुई है मैंने, हल्की क्या थोड़ी सी ज़्यादा ही है पूर्विक को बचाने के चक्कर में वेव से ऐसे स्लाइड करते हुए चले गए भाई पूरे सैंड के ऊपर, बट कोई नहीं चलता है सब। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं भाई मजाक मजाक में ना, हम बहुत दूर आ गए भाई घर से, मैं अभी डेस्टिनेशन अपना डिस्टेंस चेक कर रहा था, घर का डिस्टेंस देखो 1965 भाई, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर दूर है अपने घर से। तो बस यार नेक्स्ट 4 दिन और अपने को रोड पे रहना है, ट्रैवल करते हुए धीरे धीरे जाएंगे, आज लोनावला रुकेंगे, कल हम रुकेंगे अंकलेश्वर गुजरात, और फिर उदयपुर। इस बार अपन इंदौर वाला रूट नहीं ले रहे हैं, अलग रूट लेंगे, यहाँ से लोनावला मुंबई गुजरात राजस्थान उदयपुर होते हुए दिल्ली, तो आपको इधर के नज़ारे दिखाएंगे इस बार। तो बस यार अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 5:30 हो गए हैं, अपना एस्टिमेट है सुबह 6 बजे तक यहाँ से कट लेने का, और सीधा ब्रेकफास्ट अपना अम्बोली घाट पे होगा, वड़ा पाव खाएंगे भाई वड़ा पाव। चले फिर करें शुरू, चलो भाई कर देते हैं इसको बंद। तो भाई समय आ गया इस प्रॉपर्टी को बाय करने का, देख लेते हैं, बिल्कुल जैसा अपार्टमेंट हमने लिया था बिल्कुल वैसा ही नीट एंड क्लीन वापस से कर दिया है, देख लेते हैं सारी चीज़ें हैं अपनी कि नहीं, ठीक है लाइट ऑफ कर देते हैं। भाई जैसा भी अपार्टमेंट लो आप, किसी का घर है ये तो क्लीन रखो, बाकी की कहाँ है, चलो करते हैं भाई चेकआउट इसको। भाई की इस लॉक में डाल दी है, बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस चेक इन चेकआउट है, ये लॉक सेट कर दिया, चलो भाई डन। अब निकलते हैं भाई, सो से बहुत गर्मी है, अब निकलते हैं भाई यहाँ से अम्बोली घाट की तरफ, वहीं पे रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, चलो मिलते हैं आपसे। चलो भाई शुरू करते हैं घर की अपनी जर्नी 2000 किलोमीटर की, बोलो हर हर महादेव। देखो अब दिखेगी रिवर, ये नहीं ना, क्या बढ़िया लग रहा है स्काई के साथ, मजेदार। और भाई सनराइज होने वाला है, बस अपना लोनावला है 465 किलोमीटर यहाँ से, अब अपने को यही रोड लेते लेके रखना है बस सीधा। आ
आ गया भाई अपना इस हाईवे का ये अड्डा। ये देखो यहाँ से उतार देता हूँ गाड़ी नीचे। चलो क्या बोला तूने? पत्थर फेंकना है। चलो भाई फेंक लो भाई। नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है। लास्ट ईयर फीगो लेके आए हुए थे, यही रूट कर रहे थे तब। बेंगलोर से गोवा और गोवा से दिल्ली किया था अपन ने। इस बार अपनी गाड़ी में आए हैं, वो भाई की गाड़ी थी। और ये अपना अड्डा है, यहाँ रुकते ही हैं, बढ़िया व्यू आता है। एक बारी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं फिर अम्बोली घाट। यहाँ से आई थिंक अम्बोली घाट होगा इधर से 25 किलोमीटर के आसपास, तो बस फिर वहाँ पे चाय पियेंगे। पानी काला सा क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? और भाई अगर मैं टायर्स की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं अब तक टायर्स। चढ़ाई पे भी कहीं पे गाड़ी चुन्नू सी भी स्किड नहीं करी है इन टायर्स के बाद। मड एंड स्नो रेटेड टायर्स अपोलो एप्टेरा क्रॉस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और मतलब गोवा में तो आसपास बहुत सारे हिल्स हैं, ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, और कई बार चढ़ाई पे रोकनी भी पड़ती है ट्रैफिक की वजह से। बट वहीं से पिक करो आप, गाड़ी बिल्कुल स्किड नहीं करती। पहले MRF के टायर्स में फिर भी स्किड कर जाती थी नए होने के बाद भी, बट ये नए भी हैं प्लस बहुत अच्छी ग्रिप है अभी तक जो मुझे लगा है। और ख़राब रास्तों पे भी चलाई है ये, अम्बोली के बाद बहुत सारे ख़राब रास्ते आएंगे अब तो। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है अभी तक टायर्स की। बाकी और हाईवे पे आपको अपडेट करेंगे। अभी तो और अपने को रफली 1900 किलोमीटर और इस ट्रिप पे गाड़ी चलानी है। अरे भाई अलग ही वेदर हो रखा है यहाँ तो यार, अम्बोली पे क्लाउड्स हैं ऊपर, बड़ा सही वेदर है। अभी तो धूप निकली हुई थी, बहुत देर से देख रहे हो, मैंने तो अभी नोट किया कि क्लाउड्स हैं भाई, पहाड़ के ऊपर क्लाउड्स हैं। मस्त है भाई मस्त। ऊपर कितने क्लाउड्स आ गए हैं भाई, नीचे वैली। हाँ भाई बहुत ही जबरदस्त वैली है, आगे व्यू पॉइंट से देखेंगे। पहुंच गए भाई अम्बोली, यहाँ राइट साइड में ये लगा हुआ अम्बोली वॉटरफॉल, धबधबा कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। ये आ गए, अब थोड़ा सा आगे वाले पे रुकते हैं किसी पे जिस पे भीड़ कम होगी, और वड़ा पाव खाते हैं अपना इंडियन बर्गर। भाई अलग ही मौसम है आज तो यार। A few moments later. भाई क्लाउड्स तो बिल्कुल रोड पे ही आ गए, क्या बात है यार, जबरदस्त। ये जून में हाल है यहाँ पे, मॉनसून में तो तबाही हो जाता है ये। कमाल जगह है भाई कमाल, और कमाल वड़ा पाव थे, मजा आ गया। इतना कुछ खा लिया, 216 रुपए बिल आया, इतने आइटम ले लिए, छे तो वड़ा हो गए हमारे बड़े पाव, और दो बड़े हो गए, 216 रुपए बिल आया सिर्फ। चाय हो गई, बिस्किट, नमकीन। भाई व्यू पॉइंट पे आए, बट व्यू देखो
व्यू पे कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम से इतने सारे क्लाउड्स आ गए। पीछे फिर भी दिख रहा था। ओ मजा आ गया, फिर भी वेदर बहुत प्यारा है। चलते हैं अब यहाँ से, निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, लेट हो जाएंगे वरना बहुत आगे रास्ता भी खराब है यार। अब अम्बोली के बाद काफी हाईवे का काम चल रहा है। अम्बोली वो व्यू पॉइंट क्रॉस करते ही लेफ्ट में है महादेवगढ़ पॉइंट, व्यू पॉइंट है। रोड तो बना हुआ है, देखते हैं कैसा कुछ है। अरे बहुत खराब रोड है भाई, रोडवे भाई मेन हाईवे से 2.5 किलोमीटर एक लेफ्ट रास्ता जा रहा है देवगढ़ व्यू पॉइंट। हाँ लेपर्ड भाई, लेपर्ड हो सकता है, यहाँ पे बोर्ड तो लगा हुआ था पहले। बाकी बिल्कुल अब जंगल से में चल रहे हैं, यहाँ तो यू टर्न लेना भी दिक्कत है। भाई बिल्कुल अमिडस्ट द जंगल और रास्ता बिल्कुल खराब है यार, बिल्कुल खराब है, कहाँ घुस गए, खोखली में दे दिया सर अब तो। क्या तगड़ा एडवेंचर हो रहा है भाई, अम्बोली घाट देख के चले जाते हैं लोग। यहाँ महादेवगढ़ नाम है यार, राजगढ़ बाजगढ़ नहीं है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था पहले, महादेवगढ़ गूगल पे नाम है। और आई थिंक आने वाला होगा, आगे होंगे डेढ़ किलोमीटर ढाई किलोमीटर लिखा हुआ था। रोड बना तो हुआ है बट खराब रोड ही है, कुछ खास नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा ठीक है बट ज्यादातर खराब ही है। लो भाई कहाँ दिल्ली से गाड़ी ले आए हैं महादेवगढ़, इधर बोर्ड लगा है वन विभाग के अंदर है ये सावंतवाड़ी। हाँ ये सामने नीचे इधर उतरना है, वहाँ पे वो बना हुआ है प्लेटू टाइप सा, वहाँ से बहुत बेहतरीन व्यू दिखेगा। ओह हो भाई क्लियर हो रहा है वेदर, बढ़िया व्यू दिखेगा जैसा एक अपने को वहाँ से दिखा था एक बार, कुर्ग से दिखा था ऐसा ही व्यू दिखता है वहाँ से भी। ओहो भाई साहब बढ़िया सौदा लग रहा है भाई साहब, क्या व्यू है भाई, ये तो वर्थ था ना दो ढाई किलोमीटर की बात है। अब दिखाता हूँ कैमरा पलट के आपको व्यू, ये देखो भाई व्यू, भाई जबरदस्त व्यू है। और उधर जहाँ क्लाउड्स है ना, इधर से ये वाले रूट से आ रहे हैं अम्बोली घाट, इसी साइड था भाई, जबरदस्त है यार। देखो आगे भी हट सी बनी हुई है, उधर जाने का भी है व्यू पॉइंट, वो रहा नीचे बैठने का भी बनाया हुआ है व्यू पॉइंट पे, भाई जबरदस्त है। वेस्टर्न घाट्स चलो भाई टाटा कर देते हैं इस व्यू को, सारे वेस्टर्न घाट्स के व्यू है जबरदस्त। और अब चलते हैं भाई, लेट हो गए हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं अपने एस्टिमेट के हिसाब से, 6 बज जाएंगे इस हिसाब से लोनावला पहुंचते काउंट करते रहो, वेरी गुड। सिक्योरिटी नंबर प्लेट इन स्टेट्स में शायद अभी तक
चालू नहीं हुआ है सिस्टम। ये देखो नंबर बहुत गाड़ियों का दिखता है, महाराष्ट्र का देखो 2020, गोवा में भी ऐसे ही था भाई, सब अलग ही स्टाइल में नंबर लिखवाए हुए हैं। ये गाड़ियाँ ना दिल्ली नहीं आती है पक्का, दिल्ली NCR में इन गाड़ियों को आएंगे तो जब्त कर लेंगे भाई साहब। चलान नहीं होगा, गाड़ी जब्त होगी और बंदे को जेल भी हो सकती है भाई साहब। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अलग ही स्टाइल में नंबर लिखवाई है वे। इसका तो फिर भी MH दिख रहा है, कईयों को तो MHGA दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ नंबर लिखा हुआ बड़ा बड़ा अजीबो गरीब स्टाइल में। दिल्ली बताना भाई जेल हो जाएगी, जेल। क्या बोला तूने? पकड़ गए, चलान नहीं होगा, जेल भी करेगी पुलिस साथ में ये सब काम करने के लिए। हाँ भाई चलो एक चाय ब्रेक ले लेते हैं, हाईवे NH 48 9 किलोमीटर रह गया है भाई। एक एक चाय हो गई है, ये देखो कप अपना खाली है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, एक एक कप और पीना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे कप है अपने हिसाब से। बे साले, बाकी गाड़ी की हालत देखो यार, मतलब नेक्स्ट लेवल गंदी हो गई है। फुल डीप क्लीनिंग होगी, अंदर बाहर सब जगह रेत जम गया है, हाल हो गया। यहीं रुके थे लास्ट ईयर भी, एग्जैक्टली सेम ढाबे पे चाय पी थी, अभी भी वहीं वही यादें ताज़ा हो रही हैं, बस गाड़ी बदल गई है और मज़ा आ रहा है, वेदर भी यार ठीक ठाक है। टाइम हुआ है फिलहाल 9:50, चलो एक एक चाय और पीते हैं और फिर चलते हैं यार NH 48 की तरफ, फिर अपने को वो सीधा ले जाएगा लोनावला। आ गए भाई अपने फेवरेट NH 48 पे, अब ये सीधा अपने को लोनावला मुंबई गुजरात होते हुए ले जाएगा दिल्ली। यहाँ से कोल्हापुर तो बहुत ही जबरदस्त नॉन स्टॉप रास्ता है, कोल्हापुर से आगे ट्रैफिक मिलता है क्योंकि थोड़ा सा रोड का काम चल रहा है कराड़ तक। कोल्हापुर पहुंच गए हैं, टाइम हुआ है 11:15, तो ऑलमोस्ट 5.5 घंटे में अपन कोल्हापुर पहुंच गए हैं गोवा से। रोड बहुत बढ़िया है निपानी से कोल्हापुर तक, निपानी से आपका अम्बोली वाला जो सेक्शन है भाई 70-80% खराब है, गड्ढे हैं, रोड का काम चल रहा है, कहीं पे नया बना रहे कहीं पे एक्सपेंशन का काम चल रहा है, बट बहुत बुरा हाल है उस रोड का, 70-80% रोड खराब है वो। बाकी हाईवे तो बहुत ज़बरदस्त है, NH 48 पे आ गए हैं, अब कोल्हापुर क्रॉस करते हैं और बढ़ेंगे 17 की तरफ, और एक टी ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो अब चाय पीते हैं, या फिल्टर कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और फिर से देखो नंबर 70-20 आगे वाले का देखो 6233, ये दिल्ली नहीं आते ये लोग, जेल हो जाएगी इनको, पर्दे भी लगाए हुए हैं भाई गाड़ी के अंदर। यहाँ कोई रूल नहीं है महाराष्ट्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का या कुछ, और काले शीशे भी हैं, पर्दे भी लगे हैं गाड़ियों में, और नंबर प्लेट तो भाई साहब तबाही मचा रखी है लोगों ने।
भाई देखो क्या जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं, क्या बढ़िया पहाड़ हैं और क्या इतने मस्त हैं, क्या बढ़िया लग रहे हैं भाई। कराड़ पहुंच गए हैं और पहले की तरह हल्का फुल्का जाम है। पहले तो बहुत ही ज्यादा था जब वापस जब गोवा जा रहे थे हम, आधे से पौना घंटा लग गया था। अभी भी थोड़ा सा तो दिखा रहा है गूगल, क्योंकि यहाँ ये काम चल रहा है। देखते हैं 5-10 मिनट में निकल जाएं होपफुली कराड़ से। फिर इसके बाद तो बहुत ही ज़बरदस्त रोड है पूरा पुणे तक, और आगे तो फिर लोनावला तक एक्सप्रेसवे पे चलना है अपने को। तो बस ये वाला पार्ट निकल जाए, उसके बाद पीते हैं कहीं फिल्टर कॉफ़ी। ये कराड़ का बॉटल नेक है अभी इस हाईवे पे, जब तक ये बन नहीं जाता पूरा। सतारा और यहाँ पेड़े फेमस है, खाए थे जाते वक्त गोवा, बढ़िया थे। अभी तक चल रहा है डब्बा और बहुत बढ़िया स्पीड में आ रहे हैं। कराड़ पे भी जाम नहीं मिला। अब यहाँ से लोनावला है 176 किलोमीटर अपना होटल, तो कंसिस्टेंटली खींचते चलना है। पुणे के आसपास एक ब्रेक लेंगे टी कॉफी लंच ब्रेक टाइप, और उसके बाद भाई सीधे लोनावला की तरफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। बाकी अब तो रोड्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं पूरे लोनावला तक, क्योंकि पता है ये रूट अपन कर चुके हैं पूरा यहाँ से दिल्ली तक पहले लास्ट ईयर। तो रोड्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, अब कहीं पे बिल्कुल भी कोई बॉटल नेक नहीं मिलना चाहिए, छोड़ के एक मुंबई में, वो कल अपन एनकाउंटर करेंगे। बट आज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं अब रोड सारे। भाई अभी अभी सतारा में एक भाई साहब ऐसे ड्राइवर हैं, मैं हाई स्पीड लेन में चल रहा हूँ अपनी सही अपनी लेन में, और भाई साहब एकदम से लेन चेंज करके मेरी गाड़ी के आगे विदाउट इंडिकेटर बिना कुछ देखे बहुत मुश्किल से बचाई है गाड़ी। सीधा कोलिजन होना था क्योंकि गाड़ी चल रही है 90-100 पे बहुत आराम से, बिना देखे लेन चेंज एकदम से, और बंदे की गाड़ी पे एल लिखा हुआ था। लर्नर पता नहीं खुद थे या कोई फैमिली वाले को सिखा रहे थे तो, बट भाई बहुत ख़त्म ड्राइवर है कुछ तो सीरियसली, एकदम से लेन चेंज कर दी एक हाई स्पीड पे, वो भी नेशनल हाईवे पे, और बाद में भाई साहब सॉरी बोल रहे हैं फिर इशारे में, हो जाता काम एक बार में ही खेल ख़त्म हो जाता है इतनी हाई स्पीड में। तो बहुत सेफली चलना पड़ता है भाई ये ट्रिप्स पे, खासकर हाई स्पीड जब आप चल रहे होते हो एक्सप्रेस वेज या नेशनल हाईवेज पे 80, 90, 100, तो पोल्यूशन बहुत ख़तरनाक होते हैं। बट कोई नहीं, बच गए हम तो भाई, भोले बाबा हैं गाड़ी में अपने। चलो करते हैं कंटिन्यू, ऐसे मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन। चलो यार इसी पे खा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। गाड़ी कहाँ लगाए यार, इन्होंने तो हर जगह छाया है नहीं गए यार, रुक गए भाई, पुणे आने वाला है बस, पर कुछ थोड़ा बहुत लंच कर लेते हैं। आ गई भाई अपनी कोल्हापुरी मिर्ची वाली दाल, हा स्पाइसी कोल्हापुरी दाल तड़का, इसको खाते हैं, स्पाइसी मिलनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। भाई क्या जबरदस्त कोल्हापुरी दाल थी, जैसे महाराष्ट्र आए और वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या महाराष्ट्र आए।
कोल्हापुर साइड आए और कोल्हापुरी लाल मिर्च वाली दाल दिखाई तो क्या कोल्हापुर आए। अच्छा हमको सिखा रिया है तो भाई था भाई अब तक का सबसे बढ़िया खाना अपना मात्र 350 रुपए। चलो अब चलते हैं, अब सीधे लोनावला रुकेंगे। हाँ जी चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना तेरा ब्लड गोरी तू बैकबोन जट दी तू मेरे वाल तक। भाई टाइम चेक 3:11 और अपन एंटर करने वाले हैं पुणे वाली टनल्स में। बस काफी टाइम लग गया यार पुणे पहुंचने में 9.25 घंटे लग गए। हाँ हॉन्टेड है ये भूतिया टनल तो हाँ डेंजर अड्डियाँ बनी हुई है स्कल बना रखा है। इसके बाद भाई पुणे सिटी स्टार्ट हो जाएगी एक तरीके से और बहुत सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। 4:30 दिखा रहा है अपना गूगल एस्टिमेट। इसके बाद अपने को बस NH 48 से एक्सप्रेसवे ले लेना है टुवर्ड्स मुंबई। यहाँ से है सिर्फ 80 किलोमीटर्स तो अब तो कोई भी परेशान होने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल टाइम से पहुँचेंगे और रिलैक्स करेंगे होटल में। कोई प्लान नहीं कोई एजेंडा नहीं है लोनावला जाके कुछ नहीं करना सिर्फ रिलैक्स करना है। अच्छा स्विमिंग पूल में कूदोगे? ओहो भाई प्लान है भाई प्लान है ऐसी बात नहीं है। चलते हैं भाई करते हैं पुणे सिटी को क्रॉस। मजा आ रहा है ड्राइव है बहुत सीनिक ड्राइव है पुणे तक की है और आगे फिर एक्सप्रेस वे है एकदम जबरदस्त रोड जबरदस्त।